सर जिस तरह से लगातार जो है रेवरेंट अलीम या रेवरेंट सियाद या रेवरेंट जल्लाद जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी नौकरी जो है अभी वो दाव पर लगी हुई है, तो किस तरह आप देखते हैं आज कुपवाड़ा में भी जो है प्रोटेस्ट हुआ है, हालांकि पूरी वैली की अगर हम कश्मीर डिवीजन की बात करें तो डिवीजन में इस वक्त चल रहा है, तो किस तरह आप एज ए ट्रेड यूनियन लीडर आप देखते हैं? देखिए, आप जानते होंगे कि 1994 से लेकर 2015 तक मुख्तलिफ सरकारों ने जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ महकमजात में मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में जो है आर्जी बेसिस पे जो है मुलाजमी को तैनात किया है और उन्होंने परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का काम का जो है उसको निभाया है। लेकिन आज हमने देखा है, आप भी जानते हैं कि कल ही जो दो तीन दिन पहले यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑर्डर निकाला है उसमें उन्होंने उनको रेगुलराइज करने के बजाय उनकी नौकरी को उन्होंने री एडवर्टाइज किया है, जो कि एक नाइंसाफी है इन मुलाजमी के साथ। और वैसे तो ट्रेड यूनियन नुमाइंदा में ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर का नेशनल सेक्रेटरी होने के नाते आपके माध्यम से मरकजी सरकार और यूटी हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि वो फिल फोर जम्मू कश्मीर में तमाम कैटेगरीज के आरजी मुलाजमीन के हक में एक रेगुलेशन पॉलिसी मुरतब करे और उनके हक में मिनिमम वेज एक्ट लागू करे। जब तक रेगुलेशन पॉलिसी सामने आती है तब तक मुल्क के बाकी रियासतों के पैटर्न पे जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए। एक तरफ से सभी मरकजी कानून जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू है, दूसरी तरफ से जब वर्कर्स की बात आती है, काम करने वाले लोगों की बात आती है, तो उनके हक में मिनिमम वेज एक्ट लागू क्यों नहीं है? लिहाजा मैं आपके माध्यम से मीडिया के माध्यम से इस बात को मरकजी सरकार तक और यूटी हुकूमत तक पूछना चाहता हूं कि जो जितने भी आरजी वर्करार है, चाहे वो सीजनल लेबर्स है, कैजुअल लेबर्स है, डेली वेजर्स है, एनवाईसीज है, रेबर खेल है, रेबर जिरात है, रेबर जंगलात है, उनके हक में फिल फोर रेगुलेशन पॉलिसी मुरतब की जाए और उनके हक में मिनिमम वेज एक्ट जो है वो लागू की जाए। और हम इस सिलसिले में पूरे जिलों में जाएंगे, हम मुलाजमीन को इकट्ठे करके कन्वेंशन करेंगे, उसके बाद एक स्टेट कॉन्फ्रेंस करेंगे, स्टेट कॉन्फ्रेंस में हम मरकजी लीडरशिप को भी दावत देके इस अगर सरकार ने तब तक इन मसलों को हल नहीं किया है, हालांकि हमें हाल ही में एक एश्योरेंस मिली है कि 3 महीने के अंदर हम यहाँ पे मिनिमम वेज एक्ट लागू करेंगे, लेकिन अगर वो 3 महीने तक लागू नहीं किया गया तो हम स्टेट कॉन्फ्रेंस में TUCG के स्टेट कॉन्फ्रेंस में हम इस मसले को उठाएंगे और जो आगे का लाही अमल है वो तय करके फिर इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे अगर सरकार ने ये नाइंसाफी जारी रखी तो।